टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में प्रतीक्षा वर्मा शीघ्र करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है भदोही से। भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के गांधी गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न चीट फंड कंपनियों के ग्रामीण स्तर के निवेशक शामिल होकर अपने पैसे को वापस करने की सामूहिक मांग की है। ऐसा ना करने पर सामूहिक रूप से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बैठक में निवेशकों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कल्याणकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र बिंद ने कहा है कि सरकार को चीट फंड कंपनियों में फंसा पैसा वापस दिलाना चाहिए। कहा कि इस तरह के चीट फंड कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, यदि बीमा कराना हो तो सरकार की तरफ से अधिकृत कंपनियों में निवेश करें। इंडिया 24 किसान लाइव टीवी के लिए देखिए चुम्मनलाल की रिपोर्ट। सर, हम गांधी से सरोजा देवी बोल रही हूँ। हमारा यही मामला है सर, हम लोग इतने गरीब थे कि कुछ कहने लायक भी नहीं थे। और कंपनी आई, बोली, सरकार बोला कि 50,000 दे दो, तुम्हें दूना देंगे, तिगुना देंगे। हम लोग खाए नहीं, पर पैसा हम लोग जमा किए। 2016 में हमारा पैसा पूछ गया, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। यही मांग है कि हमारा पैसा वापस मिले, सरकार हमारा पैसा वापस दे। लोग आंदोलन करेंगे, चढ़ाई करेंगे, हम लोग पैसे का मांग करेंगे सब। यह आत्मनिर्भर संगठन के तरफ से चीट फंड बीमा कंपनियों के जितने हमारी मात्र शक्ति निवेशक हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, इनकी मांग है कि जितनी बीमा कंपनियां बीमा करके चली गई हैं, बड़ी वादा करके चली गए हैं, लेकिन पैसे की समय बीत गया है, इनको मैच्योरिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है कंपनियां। सरकार से आग्रह है इन सबका कि हमको पैसा मिलना चाहिए। बात सही है, यहाँ विषय है सही और गलत का। इनकी मांग जायज है, इनकी गाढ़ी कमाई, खून पसीना, दूध दही, गरीब जनता की ये बात है। यह संगठन हमारी, हम लोगों ने, पूरी संगठन हमारी इन सब मात्र शक्ति, इन सब निवेशकों के साथ है। इनका पैसा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से चंडीगढ़ की सरकार वादा करके कुछ पैसे देने की काम कर रही हैं, उसी प्रकार से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभियान चलाकर आम जनता का पैसा, निवेशकों का पैसा दिया देना चाहिए। बैठक रही।